सबसे कहो कि देश के अंदर किसान दुखी है, किसान की सारी फसल इस बरसात में और तूफान में चौपट हो चुकी है। सबसे पहले उस किसान की फसल का मुआयना करा के उसको मुआवजे की तैयारी करे। दौरे तो जने कितने पड़ेंगे इनको, सारी बीजेपी को दौरे ही पड़ेंगे। उसकी दवाई हमने तैयार कर रखी है, 22 में दे देंगे, इनके दौरे कम हो जाएंगे और 24 में दे देंगे, मिर्गी के दौरे कभी नहीं पड़ेंगे। लखनऊ की क्या तैयारी है? 26 तारीख को महापंचायत लखनऊ में, होशियार योगी जी आ रहा है। किसान योगी जी भी कह रहे हैं कि बक्कल उतार दी जाएगी, लखनऊ में आने की कोशिश करोगे तो। देखिए, या तो तुम पत्रकारिता छोड़ देना वरना मैं किसानी छोड़ दूंगा। अब मैं पूछता हूं कि देश को भुखमरी के उसमें सेंचुरी पार करा दी, ये अच्छा हुआ। ठोको ताली, ठोको ताली, आज उसी में ठोकूंगा। 2014 में जब सत्ता संभाली, जब देश भुखमरी में 56वें नंबर पर था, और आज 2021 में भुखमरी में 101 नंबर पर आ गया, मार दी सेंचुरी। कौन जिम्मेदार है? बोलो। आज फिर सुनने में आ रहा है आप लोगों ने ट्रेन रोकी है, सुनने में आ रहा? अरे पूरे भारत के अंदर आज सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल रोको अभियान था। 4 बजे तक? और पूरे पूरे भारत के अंदर क्यों? घंटे का था। कौन कह रहा? आर भारत पे 1 घंटे का चल रहा है। तुम ऐसे बेकार चैनल की बात क्यों करते हो? नेशनल मीडिया है तो बात नहीं करेंगे क्या? किसने कहा नेशनल मीडिया? नेशनल मीडिया है। किसने कहा नेशनल मीडिया? उनको चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया। मतलब जो सच दिखाए वो चाटुकार मीडिया। मैंने सच और झूठ को मैं बात ही नहीं करता। बताइए कौन कह रहा है कि 1 घंटे का प्रोग्राम था या आधा घंटे का था? पूरे हिंदुस्तान के कहीं भी फोन करो, सबसे पूछो, वीडियो पड़ी है, सबने अपने अपने टाइम पे वीडियो डाली है, वो देख लो। ऐसे चाटुकार मीडिया की मेरे से बात मत करो भाई। जगह कुछ जगह तो नहीं रोकी, हर जगह नहीं रोकी गई। देखिए जिले में एक एक दो दो जगह का प्रोग्राम था, तो जब एक रेल हमने यहाँ रोक ली, अब वो सहारनपुर तक जा ही नहीं सकती, तो कहीं खड़े कर बैठा लो, हमारे तो किसान वहीं बैठा। देखिए अब तुम किसी और की बात करो, इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ। बादरगढ़ की बात है, जो टिकरी बॉर्डर से संगठन था, हरियाणा में और ट्रेन निकट जा, और पंजाब में और ट्रेन निकट जा। अरे कहीं और कहते तो मैं मान भी लेता, कम से कम हरियाणा का नाम तो मत लो, पंजाब का नाम तो मत लो, उत्तर प्रदेश का नाम तो मत लो, बिहार का नाम मत लो, बंगाल का नाम मत लो, मध्य प्रदेश का नाम मत लो, राजस्थान का नाम मत लो, पाकिस्तान का ले, पाकिस्तान का ले, वो तारी मर्जी। तो कहाँ का ले? आप ही कह रहे ना यहाँ का ना लो, वहाँ का ना लो। जब मैं कह रहा हूँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 10 बजे से 4 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चली, तो नहीं चली। कितनी ट्रेन तो चली हैं? मुझे दिखाओ। अब वीडियो देख लीजिए ना, वायरल हो रही है। आप इधर जा रहे हो, पीछे ट्रेन जा रही है। कल की मैं पिछले साल की वीडियो डाल दूंगा तुम्हें, उसे यकीन आ जाएगा। आज की वीडियो है तो टिकरी बॉर्डर पे बबलू मिरजपुरिया के नाम से जो बंदा है, जो शुरुआत के दिन। यार एक चीज तो बताओ, तुम खड़े तो हो गाजीपुर बॉर्डर पे और तुम बात करने लगे हो कलकत्ता की। अरे गाजीपुर की पूछो ना मेरे से, हम गाजीपुर पर रहते हैं। बाकी जितनी बड़ी खबर होंगी, संयुक्त किसान मोर्चा के 40 पदाधिकारी हैं, वो जवाब देंगे। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, यहाँ कुछ भी पूछ ले। तो गाजीपुर वाले, गाजीपुर बॉर्डर पे तो कोई रेलवे लाइन ही नहीं है, तो आपने कहाँ बंद करोगे? गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मोदी नगर में। आप एक तो कह रहे कि पूरे भारत में रेल रोक, मालगाड़ी क्यों नहीं रोकी? आम जनता को परेशान किया आपने कि मालगाड़ी रोक रखी थी ताऊ ने, तो मोदी नगर में एक जगह रोकने से क्या पूरे भारत में बंद हो गई? अरे यार जब मैं एक आदमी हूँ, एक जगह खड़ा रहूंगा, मैं थारे प्रधानमंत्री की तरह छलिया नहीं हूँ कि कभी रहूंगा यहाँ बताऊंगा वहाँ दिखूंगा वहाँ। आप ही तो कह रहे पूरे भारत में। हाँ मैंने बताया कि किसानों ने पूरे भारत में रोक रखी थी। हम उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लाइव के ऊपर दिख रहा है। अरे पिछली डाल दी होगी थारे दिखाने के लिए, वो लाइव कर रहे हैं वहीं से। अच्छा चलो कर रहे होंगे। तो मैं तो हर बात का विरोध करना किसान का, अच्छा। वो अच्छी बात है तुम करते रहो, सवाल कर ले तो विरोध। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, तुम हमारा विरोध करते रहो,
किसान और मजदूर हमारा एक साथ जुड़ता चला जाएगा और एक दिन हम जो है सफल हो जाएंगे। ऐसे जुड़ते जो सच है वही तो बता रहे हैं। क्या सच बता रहे? सिंधु बॉर्डर पे जो घटनाक्रम हुआ था, क्या ऐसे जुड़ेंगे किसान? क्या हुआ सिंधु बॉर्डर पे? दो बंदे को मारा गया, काटा गया। और क्या हो गया वो देखेंगे। वहाँ के हमारी सब कमेटी है, वहाँ की जो कमेटी है वो देख रही है। उन्होंने जो कहा है तुम्हें बता दिया गया, पर तुम्हें वे नहीं दिखाई दिए कि पांच जवान वहां से शहीद होके आए हैं। तुम्हें ये पगड़ी वाला तुम्हें खालिस्तानी दिखाई देता है और इसका बेटा शहीद होके वहां से बंद तिरंगे में लिपट के आया है, वो देशभक्त हो गया, उसका बाप खालिस्तानी हो गया, अगर आंदोलन में बैठा है। लखीमपुर में अगर एक दुर्घटना के गाड़ी के नीचे आने से कुछ लोग मारे जाते, किसान मारे जाते हैं, उस पर आप बवाल कर देते? तुम्हें दुर्घटना दिखाई देती है कैसे हो जाएगी? शांति से किसान जा रहा है, पीछे से किरी गई हत्या है। चलो वो हत्या है, वो भी तो हत्या है। हमने कहा क्या हत्या हुई? और जिसने कर रहे हो? जिसने हत्या की उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे संविधान नोटों की माला पहनाई जा रही है, फूलों की माला पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तो दोगली बात हो गई ना। अरे तुमने तो उस हत्यारे के बाप को और उस हत्यारे को गृह मंत्री बना रखा है। बस आ गए ना भाई, गैल आ गए, इनके वोट तो आपने दिया था। किसने किया जनता को परेशान? अच्छा आपको लग रहा है कि हमने जो है जनता को परेशान किया? परेशान तो हुए ना लोग? बिल्कुल हुए। जब कोई आंदोलन होता है थोड़ी बहुत जनता को परेशानी होती है, और ये वही इसी जनता के लिए जिस जनता को तुम परेशान बता रहे हो, उसी की रोटी बचाने के लिए, उन्हीं के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए कि आप परेशान कर रहे हो। कौन कह रहा? जनता तो कहती। तुम्हारा काम तो सिर्फ उन पे किसानों पे इल्जाम ही लगाना है। हम नहीं लगा रहे, जनता कहती है कि आप परेशान। ये जनता खड़ी है, क्या खड़ा है? ये तो किसान है, है? जनता तो बाहर है ना। जनता कौन होती है? कौन होती है जनता? जनता कौन होती है? प्रदेश का नागरिक, देश का नागरिक ही तो जनता होती है। तो ये प्रदेश या देश के नागरिक नहीं है? आप ही तो कहते हो पाउडर पे किसान बैठे हैं, तो ये किसान है, जनता तो बाहर है। जनता जनता कैसी होती है? परेशान नहीं थे आम लोग? तो परेशान थे ना आम लोग? तो परेशान थे क्या? भारत में आज ही ट्रेन रुकी है, बताओ। पहले भी रुकी? राजनेताओं ने ट्रेनें नहीं रोकी? आपने तो पहले भी रोकी है। राजनेताओं ने नहीं रोकी? आप भी तो पहले रोकी। राजनेताओं ने भारत तो पहले रोकी। मैं तो कह रहा हूँ चलिए हमारी भी तो पहले हमारी वजह से जिसे परेशानी होगी हम उस नागरिक से माफी भी मांग लेंगे। क्या मोदी ने देश के साथ गद्दारी की वो माफी मांगेगा? प्रधानमंत्री जी कहाँ गद्दारी करते हैं? देश हित में करते हैं। तुम्हें तो देश हित ही सारा काम देश हित में करते हैं। देश बेच दिया वो देश हित में बिक गया कहते हैं ना देश। चलो अब ये 80 करोड़ लोगों को जो ये गेहूं दे रहा 5-5 किलो, अगर ये 5 किलो गेहूं ना मिलता तो देश भुखमरी के कगार पे कितने नंबर पे पहुंच जाता? तुम तो पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, कभी उनसे बीजेपी वालों के भी मुंह के लगाते करो इसे अपने माइक को। पूछते तो है ना? क्या पूछा? आज तक दिखाई ना तुमने एक भी वीडियो, दिखाओ। क्या देखिए ये सब अपनी मर्जी के मालिक है, ये किसी भी सत्ता में जा सकते हैं, कोई हमारे बंधुआ मजदूर नहीं है। जहाँ जाओ जाओ। तो राकेश टिकैत जी के राइट हैंड है? राइट हैंड तो सारे राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है कौन सा? भारत का जो किसान किसान संगठनों के साथ है वो किसान है या मजदूर है, हमारे राइट हैंड ही है। सबको बराबर का अधिकार है। राकेश टिकैत जी ने आज तक नहीं कहा होगा कि ये कम है ये ज्यादा है। यार देखो जब तक कम से कम किसी भी पार्टी में आप लोग जाओ, किसी को छोड़ो, किसी में जाओ, कम से कम अपने मुंह पे हाथ फेर के जाया करो कि कल तो तुम उनका नमक खा रहे थे और आज तुम उधर जातो के साथ ही क्या पूछ हिला के कुत्ते की तरह तड़वे चाटने लगे हैं? ये इंसान के काम होते हैं? जिसका नमक खाया है नमक हलाली करो, अगर नमक हरामी करोगे तो कल तुम ना धोबी के कुत्ते हो जाओगे, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। यार मेरी मानसिकता का तुम्हें क्या पता, इनकी मानसिकता का क्या पता? आंदोलन बीच में छोड़ के देखिए, जब जयचंद तो बहुत थे तो ऐसे ही जयचंद होगा, कोई चला जाओ।
हम क्या मना कर रहे हैं? भानु प्रताप जब आंदोलन को छोड़ के गए थे तब आपने कहा था कि वो तो बीजेपी का दलाल है। देखिए सुन लीजिए, जिनका तुमने नाम लिया 26 जनवरी को वो चिल्ला बॉर्डर से भाग चुके थे, उसके बाद फिर दोबारा क्यों आके बैठे और फिर क्यों भागे, तो उसको तुम क्या कहोगे? ये तुम अपने स्तर से लगा लो। उनको क्या कहोगे तुम? हैं? अब जो छोड़ के जा नहीं, मैंने तो कहा सबकी अपनी अपनी मानसिकता, जिसको जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ जाओ। उन्होंने हमने किसी को रोक थोड़े रखा, इन्हें अपनी लड़ाई लड़नी है किसान।